बात 1990 की है, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आंदोलन की देशव्यापी राम लहर चल रही थी और गांव-गांव आंदोलन का ज्वार था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम केवल श्री राम नाम की आंधी चल रही थी। इससे सनातन विरोधी सरकार श्री राम मंदिर आंदोलन से बुरी तरह से भयभीत थी। अयोध्या में एकत्र लाखों राम भक्तों और कार सेवकों की भीड़ जब 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगी, तो तत्कालीन रामद्रोही सरकार ने लाखों की संख्या में एकत्र निहत्थे राम भक्तों पर लाठी और गोली चलवा दी। पवित्र अयोध्या की धरा पर राम भक्तों की चीत्कार से आसमान गुंजायमान होने लगा, लेकिन राम विरोधी सरकार के पुलिस बलों की गोलियां नहीं रुकी। हजारों की संख्या में राम भक्त जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। हजारों कार सेवकों, साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। उनके खून से सरयू नदी का रंग लाल हो गया। बड़ी संख्या में राम भक्त राम सेवकों के शव सरयू नदी में बहा दिए गए और सैकड़ों राम भक्तों संतों के शव गायब करा दिए गए। उस समय सरकार की बंदिशों के चलते प्रयागराज के स्वयंसेवक रामानुज अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे। इससे उनका मन और चित इस कदर व्याकुल और व्यथित था कि वह रामद्रोही सरकार के प्रति अपना आक्रोश पुरजोर तरीके से व्यक्त करना चाह रहे थे। फिर रामानुज को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह और केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकारों को जवाब देने के लिए एक युक्ति सूझी। इसके लिए रामानुज ने अपने दाहिने हाथ की उंगली काट कर एक कटोरी में खून निकाला। फिर उन्होंने उसी खून से कार सेवकों के अयोध्या में किए गए नरसंहार को नमन करते हुए सरकारों को रक्त से पत्र लिखा, जिसे प्रयागराज के बड़े दैनिक पत्र अमृत प्रभात ने प्रकाशित किया था। वर्षों के त्याग और बलिदान के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह सब देखकर राम भक्त रामानुज बहुत आह्लादित हैं। वे भगवान श्री राम को भव्य मंदिर मिलने से आनंद की परिपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं।